हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे छठ पूजा स्पेशल ठिकुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 1 किलो गेहूँ का आटा लिया है। अब हम इसमें ग्रेट किए हुए नारियल, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट और लगभग 1.5 चम्मच सौंफ को ऐड किया है। इसमें मैंने 4 चम्मच देसी घी को ऐड किया है। तो हम गैस जला कर एक कटोरे को रखेंगे जिसमें हमने 1 गिलास पानी को ऐड किया है। अब हम इसमें 350 ग्राम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो हमारी गुड़ मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो चाशनी ठंडी हो चुकी है, अब हम आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बची हुई चाशनी भी हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालते रहेंगे और मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, जो छठ के अरग पर का ठेकुआ होता है वो गुड़ की ही बनती है, इसलिए मैंने यहाँ गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। आटा हमारा गूंथ कर तैयार हो चुका है, अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक जो साँचा लिया है, इसके आगे वाले भाग पर हमें इसे बिल्कुल इस तरह से करना है। अरग पर का ठेकुआ बिल्कुल इस तरह से नुकीली हुई बनती है। मैंने साँचे से सभी ठेकुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। गैस जलाकर मैंने पहले से ही देसी घी को गर्म कर लिया था, अब हम इसमें इसे डालकर फ्राई कर लेंगे। अरग पर का ठेकुआ देसी घी में बनता है, इसलिए मैंने देसी घी में इसे बनाया है, रिफाइंड में नहीं। इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ठेकुआ हमारी एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे ऐसे पलट देंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ठेकुआ हमारे दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत आसान तरीके से ठेकुआ की रेसिपी को शेयर किया है, इसे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। एंड मेरी तरफ से आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you.